मैम, आप लोग कभी डॉक्टर्स के पास इससे पहले कहीं गए थे तो उस वक्त में डॉक्टर्स ने क्या कहा था कि सर आपको कतरे में डालते हैं वो थोड़ी कोई अच्छी बात है और दवाइयां दे रहे हैं डराते ही हैं बस। अच्छा, तो और मेरा घुटनों का भी ऑपरेट बोला, कहते हैं 2 साल चल लो मुड़ के नहीं चले जाना। मैं कोई गल नहीं। अच्छा, कोई गल नहीं। और यहाँ पर आने के बाद जो ट्रीटमेंट्स दी जा रही है, थेरेपीज दी जा रही है, वो कैसी है? अच्छी है, सब स्टाफ भी बहुत अच्छा है, इधर सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। बिल हमारा बहुत लगा हुआ है, यही थोड़ा करते हैं कि मैं जाना जाना, बाकी कोई भागने के। ये टैलेंटेड है। अच्छा, इनको कमर दर्द, गर्दन दर्द, जिससे कि दर्द ठीक करना आता है, तो रोज सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक इनके घर लाइनें लगती हैं। अच्छा। लोग अपनी दर्दें ठीक कराने आते हैं, तो ये वो उस चीज को मिस करते हैं कि मैं कैसे। इनकी वो आदत है ना बॉडी को हैबिट है, इनके पास पेशेंट्स आते हैं अपने रीढ़ की हड्डी का, गर्दन का इलाज कराने के लिए, क्योंकि ये इनके हाथ में शफा है, इनके हाथ में भगवान का एक हुनर है कि जिसको हाथ लगाते हैं उसकी कमर ठीक कर देते हैं, उसकी गर्दन ठीक कर देते हैं, तो ये उस चीज को मिस कर रहे हैं। मेरे से आया एक पेशेंट, इधर ठीक होके गया, इनसे करा के गया कमरे में। अच्छा अच्छा, बाकी जो पेशेंट, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उन व्यूअर्स के लिए आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट्स है उनके लिए? बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जो भी खतरे में इधर आए अपना इलाज कराए। सर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आना चाहिए, आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, जरूर हम भी भेजेंगे, हम भेजेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और आप क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहूंगा, बीमार ही मत पड़ो। पहली बात तो बीमार ही मत पड़ो, अपना डॉक्टर खुद बनो। और अगर कोई तकलीफ है तो हमारे YouTube, Facebook पे हम पूरी नॉलेज, पूरी ट्रेनिंग देते हैं, आप घर पर ही अपने डॉक्टर बन सकते हो। और अगर आपको लगता है नहीं, आपको हमारे सुपरविजन में ही रहकर इलाज करवाना है, तो हिम्स मेरठ जो 1000 बेड का है, जो कि 25 एकड़ में है, मैं चाहूंगा आप एक क्लिप दिखा दो इस वीडियो में, ऐसी एक डेरा बस्सी में हिम्स है 100 बेड का, एक लखनऊ में हिम्स है 100 बेड का, एक 150 बेड का हिम्स मुंबई में है, नवी मुंबई में, ऐसी अमृतसर में 20 बेड का है, गुड़गांव में 20 बेड का है, तो छोटे छोटे कई हिम्स है, जैसे गोवा में है, भागलपुर में है, जयपुर में, जोधपुर में, छोटे छोटे शहरों में, लुधियाना में हिम्स खुल चुका है, तो छोटे छोटे हिम्स हम खोलते जा रहे हैं और बड़े वाले भी खोलते जा रहे हैं। एक ही मकसद है, लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें। इसके अलावा पूरे भारत में हमारी 100 क्लिनिक्स भी हैं, डॉक्टर से 1-to-1 बैठ के भी आप अपने बारे में डाइट चार्ट बनवा सकते हो। हम कहते हैं खाना पीना सुधार के, जड़ी बूटियों की मदद से दुनिया की हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। जैसे आगे आपने देखा ही है, किडनी फेल आप देख पा रहे हो, लीवर फेल आपने देख लिया, आपने क्या कहते हैं कैंसर को देख लिया, थैलीसीमिया को आपने देख लिया। अच्छा, आप लोगों की, मुझे ये बताओ, आपने कितने लोगों से यहाँ मिले हो जिनको यहाँ लाभ हुआ है आपके हिसाब से? सभी को लाभ हो रहा है, सभी को लाभ ही हो रहा है जो भी ट्रीटमेंट यहाँ करा रहे हैं, ज्यादातर लोग तारीफ ही कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो बहुत ही, इनका पहले अखबारों में पढ़ते थे तो मैं बहुत खुश हुई, मैं कहा मैं रियल मिली हूँ। अच्छा, इनके ब्रदर भी आए हुए हैं, इनके मामा जी भी आए हुए हैं, मतलब इनके साले साहब भी आए हुए हैं कि मेरे जीजा जी भाग ना जाए, सबसे पहले आगे बैठे हुए हैं सुनने के लिए, निगरानी करने के लिए, इनका दिल लगाने के लिए, दिल लगाने के साथ में। सर आपको भागने की क्या जल्दी है? ट्रीटमेंट मेरे मरीज इंतजार कर। अच्छा, मरीजों के इंतजार के चक्कर में भाग रहे हैं, इनको उनकी चिंता है, मतलब इनको अपनी चिंता नहीं है, ये आज भी उसी एक तरह से खुद का, खुद की बॉडी का कुछ भी हो रहा है, लेकिन दुनिया ठीक हो जाए, इनके मन में वो भावना, वो फीलिंग है, मैं अपने अंदर बिल्कुल ठीक हूं। और यही संस्कार बच्चों में जाते हैं, अब यही राजीव के संस्कार भी हैं कि खुद अपने ऊपर जोक बनवाते हैं, वो अपने ऊपर हंसवाते हैं वो दुनिया को। आप देखो कपिल के शो में कितने कलाकार हैं, कपिल खुद भी अपनी बेइज्जती कराते हैं, लेकिन मकसद क्या है? दुनिया को हंसाना, मतलब वही इनका खून उनके बच्चों की रगों में दौड़ रहा है। भारती क्या करती है? ज्यादातर अपनी कॉमेडी करती है, अपने ऊपर करती है, राजीव भी अपने ऊपर करता है, तो ये कॉमेडी का, कॉमेडी भी एक एक्सरसाइज है, कॉमेडी भी एक थेरेपी है, लाफिंग एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिससे हमारी बॉडी की हीलिंग। भारत का आयुर्वेद, विश्व का उपचार।